शब्द ना करे विचार, शब्द ना करे विचार, मन मुख मूलो भूलिया, मन मुख मूलो भूलिया, विच लब लोभ अहंकार, सब झगड़ा कर दिया, अनदिन गुजरे शब्द ना करे विचार, सतगुरु नु सब को देखदा, सतगुरु नु सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना हो वही, डिठे मुक्त ना हो वही, जिच्चर शब्द ना करे विचार, संसार विच दुनिया दी विनाश दा कारण हिस्ट्री इतिहास पढ़ लो, एक झगड़ा शब्द है, दो तिरां दा टकराओ, दो मुख्तलिफ ख्यालां दा टकराओ। मैं बहुत देर हुई एक बार अर्ज की सी, टकराओ तो पानी विच भी हो जाए ना, तद भी अग पैदा कर देता है, हालांकि पानी अग नूं बुझाण वास्ते है, जिथे अग होवे पानी नाल बुझाई जाती है। ते मैं अर्ज कीती सी आसमान दे बदल की ने, हवा पवन पानी नूं उठा के तुरी फिरदी है, जिथे किते अग लग जाए पानी दी लोड़ होवे मैं पहुंचा दिया, उन्हों बदल आखने। पर जदों दो मुख्तलिफ हवावां भावे वह पानी वाली ही हो, जदों दो मुख्तलिफ हवावां पानी दियां भरियां हुई, पानी दा संग्रह ते दो दिशावां तो आ रहे बदलां दा आपस विच टकराओ हुंदा है ना, उन्दे विच्चों एक झगड़ा पैदा हुंदा है, झगड़े दी आवाज पैदा हुंदी है, जिन्नू असीं आखने आ बदल गजदे ने। बदल दा गजना की है, दो दिशावां तों चल रहे आ रहे हवावां दे पानी दे रूप विच बदल आपस विच टकरा गए, उस टकराव विच्चों एक आवाज पैदा हुई, जिन्नू असी आखने आ बदलां दा गजना, ते दुनियादारी दी बोली विच आखने आ आपसी झगड़ा वाद विवाद। ते मत समझो वो झगड़ा वो वाद विवाद कोई छोटी चीज है, मैं जरा पिछोकड़ तुहाडे नाल सांझा करना चाहना गुरबाणी दी बोली विच, क्योंकि सानू गुरमत समझन लई बाणी दी गहराई विच जाना पैंदा है। झगड़ा कोई सिर्फ झगड़ा नहीं हुंदा, दो मुख्तलिफ हवावां दा बदलां दा टकराओ ते उन्दे विच्चों पैदा होई ही हुई एक गड़गड़ाहट आवाज ही सब कुछ इत्थे खत्म नहीं कर दिंदी, उन्दे विच्चों एक अग निकलती है, ते उस अग का नाम असी बिजली आखने हैं।
मैं रोजाना जीवन एग्जाम्पल दे रहा जो बदल गजते ने उनके एक बिजली निकलती है एक ख्याल करियो दो मुख्तलिफ हवावां दे टकराओ विच्चों जेड़ी बिजली जेड़ी अग निकलदी है ओ साडे चुल्ले विच बलन वालियां अग्गां नालों बड़ी खतरनाक हुंदी है। चुल्ले दी अग घर नूं भी लग जाए ना आसानी नाल बुझाई पर जदों आसमानी बिजली उहदे कोलों बचिया नहीं जा सकदा बड़ी बदकिस्मत होंगी है बड़ी घातक साबित होंगी है। क्यों? क्योंकि वह अग आम अग वांगू चुल्हे विच बलन वाली अग की चिंगारी नहीं जिहड़ी घर नूं लग गई है तो बुझा लो वह तो किसी टकराओ विच्चों पैदा हो गई ज्यादा खतरनाक है। एक ख्याल करियो गुरबाणी ने एक लाइन विच एक फैसला दिता है आओ भोलियो जेड़े वाद विवाद दा राह लैके तुर पहने मैं चाहना आज बैठ के जरा विचार लईए। गुरबाणी ने एक लाइन विच एक फैसला दिता है कहिंदे ने कला है बुरी संसार कला कहिंदे ने कलेश नूं झगड़े नूं इख्तराफ टकराओ लड़ाई गुरु कहते ने कला है बुरी संसार है संसार दे लोगो कला है झगड़ा बड़ा बुरा जी चंगी गल नहीं। कह लगी क्यों कि जो आपसी वाद है खपी है वाद वाद किसू कहते जिसू असी अगले लफ्जों में आख देने वाद विवाद झगड़ा। कहन लगे दुनिया के लोगों संसार लई सब तो बुरी चीज है कलह कलेश जिन्हों कल कलेश भी आखने कलेश बड़ी बुरी चीज है इस वाद विवाद नाल खूनियां खप जांदियां ने खत्म हो जांदियां ने नाश हो जांदियां ने इतिहास पढ़ लो भावे वो राम ते रावण की कलह होवे दुनिया के लोग कले तो बचते नहीं गल माड़ी नहीं बड़ी सोच चंगी है हर कोई जो जबानों आखदा है ना उदो आखदा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मैं हुण जरा दूजे रुख नूं भी तुहाडे सामने रखना चाहना हर कोई चाहता समझदा है वाद विवाद बड़ी माड़ी चीज है बल्कि बाबा कबीर ने तो इथों तक आख दिता विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो मैनु ऐसी विद्या की लोड़ ही नहीं जिंदे विच्चों बाद पैदा हो गए बुरी चीज है। पर भलियो सारी दुनिया जानती है वाद विवाद झगड़ा बुरी चीज है कि झगड़ा खत्म हो गया झगड़ा खत्म हो गया तुसी हैरान होवोगे संसार के ग्रंथ इकट्ठे कर लो मिलाप के ग्रंथ थोड़े ने झगड़े के ज्यादा नहीं इतिहास भरिया पै झगड़िया हिस्टरी भरी पी झगड़िया अम्मा भारत केडा वड्डा ग्रंथ बन गया ये कोई प्यार का ग्रंथ थोड़ो है झगड़े का ग्रंथ है इख्तलाफ का ग्रंथ है ते एना वड्डा इख्तलाफ आपसी सके इको ही भरावान का आपस में इको ही खानदान का सोचना पड़ेगा सानू बाणी की गहराई में जाके कुछ असलियत फिलोसफी समझनी पाएगी। सोचना यह है भी इन्ना वड्डा झगड़ा लोग कहते ने मिथिहास कहता है कि 18 खूनियां खत्म हो गई पानीपत के मैदान में भरावान की लड़ाई इख्तलाफ 18 खूनियां खत्म हो गई रामायण पढ़ लो झगड़ा उथे जड़ दा इथे जोरू दा।